एवरीवन, हम लोग रेलवे पढ़ रहे थे, उसमें आप यहाँ तक देख चुके होंगे आपका ब्लास्ट क्या होता है, सेफ स्पीड के बारे में, स्लीपर के बारे में, ठीक है, और उसके बाद बकलिंग ऑफ रेल्स के बारे में, रेल्स क्या होता है, गेज डिस्टेंस क्या होता है। तो आई होप वहाँ से क्लियर हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्व में आते हैं, ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं। तो बाबू आप पढ़े हैं 10th 12th में पढ़े होंगे कि ऐसा कोई चाप होता है तो उसको हम आर्क का डिस्टेंस निकालने, यही तो कर्व है, यही तो कर्व है, ठीक है ना। आप रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे या रोड पे देखते होंगे, इस तरह से कर्व दिया जाता है ना, तो यही जो कर्व है तो इसका कुछ तो रेडियस रहा होगा, कर्व का कुछ तो रेडियस रहा होगा, तो ही हमको निकालना है कि रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एक फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर लेते हैं, तो बार बार ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम लोग खाली फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो आइए एक बार निकाल के सीखते हैं उसको कि कैसे हम लोग रेडियस निकालना कैसे हम लोग रेडियस निकालते हैं। तो आर्क इजकल टू क्या होता था, रेडियस इंटू थीटा, याद है, तो वही हो गया 2 पाई आर जो भी यहाँ पे थीटा रहेगा, डिग्री बटा 360, ठीक है। तो आर्क इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इधर है मतलब गुना में, तो इसको भागा में भेज देंगे, डी मतलब डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट देखिए, आप चेन पढ़े, सर्वे पढ़े, वहाँ पे पढ़े होंगे 20 मीटर चेन, 30 मीटर चेन। तो अगर 20 मीटर चेन की बात आ जाएगा तो आर्क का लेंथ यानी चेन का लेंथ कितना, 20 मीटर। तो यहाँ पे आर्क की जगह कितना पुट कर देंगे, 20, तो 20 बटा 2 पाई इजकल टू डिग्री बटा 360। तो ही आर इजकल टू, यहाँ से आर निकालना चाहते हैं तो 360 और इंटू कितना, 20 बटा 2 पाई, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आर इजकल टू 1146/d हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और 30 मीटर चेन के लिए अगर करें तो यहाँ पे 20 की जगह क्या पुट करेंगे, 30, तो आर इजकल टू कितना होगा, 1720/d, ठीक है। और अगर 30.5 के लिए पुट करें तो 17, एक सेकेंड, 1750/d, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस और डिग्री में दोनों में रिलेशन निकालते हैं। अगर रेडियस पूछा जाए तो डिग्री आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री है, उसको पुट कर देंगे। तो आपको बस इतना ही फार्मूला याद रखना है, ठीक है, इतना ही फार्मूला रखना है कि आर इजकल टू होता है 1146/डिग्री, जो भी डिग्री दिया रहेगा, 90 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, जो भी डिग्री दिया रहेगा उस पे रेडियस का वैल्यू कितना होगा 20 मीटर चेन के लिए। तो 20 मीटर चेन के लिए ये वाला फॉर्मूला, 1146/d, 30 मीटर चेन, बस इतना ही याद रखना है। कोई सोच रहे होंगे कि सर ये तो उतना क्लियर नहीं हो पाया, तो क्लियर करना भी नहीं, आपको फिर से पढ़ना है इस चीज़ को। हम तो इतना डिटेल में ले चल रहे हैं ताकि आपका फर्स्ट बार है, तो जो एली वाले होंगे तो उनको तो क्लियर हो जा रहा होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता होगा, मतलब एक दो बार देखना पड़ता होगा। तो कोई नहीं, आप धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर चेन है तो सिंपल याद रखेंगे 1146/d, डी वहाँ पे क्या है, डिग्री है, ठीक है। 20 मीटर चेन के लिए 1146, 30 मीटर चेन के लिए 1720/d रेडियस निकालने में काम देगा, 30.5 वाला के लिए 1750/d, ठीक है। तो यही आपका रेडियस ऑफ कर्व था। रेडियस ऑफ कर्व निकालने के लिए अलग अलग चेन के लिए अलग अलग फार्मूला है। 20 मीटर का चेन है, 20 मीटर का चेन है तो 1146/d, 30 मीटर का चेन है तो 1720/d, और 30.5 मीटर का चेन है तो 1750/d, ठीक है। तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं सुपर एलिवेशन के बारे में, कि सुपर एलिवेशन क्या है। तो सुपर एलिवेशन तो हाईवे में भी देखे होंगे कि इनर फेस के रिस्पेक्ट में आउटर फेस को राइज करवा दिया जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे सुपर एलिवेशन। मतलब ये जो आउटर एज है, बाहर का एज है, और इनर एज है, ठीक है, एक कर्व पे दिया जाता है सुपर एलिवेशन। ये रेलवे का ट्रैक है, ठीक है, पटरी है, रेलवे का पटरी है, तो कर्व होता है ना, देखें कर्व, आप रेलवे पे कर्व देखें तो इस तरह से कर्व रहता है, तो कर्व पे सुपर एलिवेशन दिया जाता है। सुपर एलिवेशन का सिंपल सा इतना सा मतलब होता है कि ये इनर फेस है, इनर फेस है, ये आउटर फेस है, आउटर फेस को राइज करवा दिया जाता है इनर के फेस के रिस्पेक्ट में, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करे वो, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करे तो अपनी ओर आकर्षित करे, जिसके वजह से जो कर्व पे जो भी है, अगर रोड पे है तो गाड़ी स्मूथ चले, और रेलवे पे है तो ट्रेन स्मूथ चले, ठीक है, मतलब कर्व से बाहर ना चला जाए।
अगर यहाँ पे वो वैसा कंडीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ट्रेन आगे बढ़ते निकल जाएगा, ठीक है, कर्व पे मुड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए वहां पे हम लोग क्या देते हैं, सुपर इलिवेशन देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जनरेटेड टू बैलेंस सेंट्रीपिटल रियल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, दोनों को बैलेंस करने का फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ऑन इसका डिफिनी अगर सुपर इलिवेशन की बात करें क्या होता है, तो इनर फेस के रिस्पेक्ट में आउटर फेस को राइज करवा दिया जाता है। ठीक है, बस इतना सा मतलब है। ऑन कर्व रेलवे ट्रैक आउटर फेस इज प्लेस एट ए हायर इलिवेशन। आउटर फेस किस पे होगा, हायर इलिवेशन पे होगा, मतलब राइज होगा, उठा हुआ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर फेस। सॉरी, इनर फेस के रिस्पेक्ट में आउटर फेस को क्या करवा दिया जाएगा, राइज करवा दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इलिवेशन कहते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं कर्व। कर्व क्या है, तो इफ देयर इज चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक हॉरिजॉन्टल कर्व आर फॉर्म, देयर आर चेंज, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझा देते हैं व्हाइट पेज पे। ठीक है, इफ देयर चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक हॉरिजॉन्टल कर्व आर फॉर्म, चलिए समझाते ही चलते हैं बगल, क्या करते हैं अलाइनमेंट। जैसे मान लीजिए ए अलाइनमेंट जा रहा था, ठीक है, ए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब जो आपका ट्रैक जा रहा था, और यहाँ बीच में मान लीजिए पहाड़ मिल गया, बीच में पहाड़ मिल गया, तब पहाड़ को काटना पड़ेगा, या नदी मिल गया तो उसको काटना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ से मोड़ ले। ठीक है, पहाड़ को काटने से अच्छा है कि हम यहाँ से मोड़ ले। ठीक है, यानी अलाइनमेंट चेंज कर लिए, अलाइनमेंट क्या कर लिए, चेंज कर लिए, ते ही अलाइनमेंट चेंज किए तो यहाँ पे क्या देना पड़ा, कर्व देना पड़ेगा, है ना। देखिए फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक रास्ता है दूसरा रास्ता है, अब बीच में कुछ पहाड़ मिल गया, नदी मिल गया, मतलब कुछ भी ऑब्स्टेकल मिल गया जिसको हटाना हम जरूरी नहीं समझते। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर दिए, तब यहाँ पे कर्व प्रोवाइड कर देंगे, तो दो अलाइनमेंट को चेंज करता है, चेंज किए तो किसके मदद से करते हैं, हमेशा कर्व के मदद से करते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना, रोड में भी नहीं कर सकते हैं और रेलवे में भी नहीं कर सकते, दोनों में ऐसा नहीं कर सकते, कैसा नहीं कर सकते, आइए देखते हैं। मान लीजिए हम ऐसा दे दें इस तरह से रोड, कहीं कभी देखे हैं ऐसा, ऐसा रोड होता है कभी, नहीं होता है ऐसा रोड, होगा तो एक्सीडेंट से कौनों दिन ऐसा नहीं होगा जो खाली होगा, इधर से जाते रहेगा इधर से आते रहेगा, दोनों आके कॉर्नर पे टकरा गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, वहां पे क्या दिया जाता है, कर्व दिया जाता है, रेलवे के केस में भी और आपका हाईवे के केस में भी, दोनों के केस में कर्व दिया जाता है, जहां भी अलाइनमेंट चेंज करे तो वहां पे कर्व देना होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इफ देयर आर चेंज, कहां गया, इफ देयर आर चेंज इन ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक वर्टिकल कर्व आर फॉर्म्ड, अगर ग्रेडियंट चेंज करे, ग्रेडियंट चेंज करे तो वर्टिकल कर्व देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहले ऊंचा था और फिर गड्ढा मिल गया, तो गड्ढा नीचे की ओर जाते हैं ना, फिर मान लीजिए ऊंचा मिल गया तो फिर ऊपर की ओर ऐसे उठते हैं, तो अगर ग्रेडियंट चेंज होता है तो वर्टिकल कर्व होता है, हॉरिजेंटल कर्व, अगर अलाइनमेंट चेंज होता है तो हॉरिजेंटल कर्व। जैसे देखे उड्डा खावड़ देखे ना, उड्डा खावड़ पहले चल रहा है फिर कुछ ऊंचाई पर चला गया फिर नीचे, तो ये भी तो कर्व ही हुआ, ये भी तो कर्व ही हुआ, तो ये क्या हो गया, ये ग्रेडियंट चेंज होने से वर्टिकल कर्व, ग्रेडियंट चेंज होने से वर्टिकल कर्व, अलाइनमेंट चेंज होने से हॉरिजेंटल कर्व। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया। आइए, मिडल पोर्शन ऑफ ए वर्टिकल कर्व इज डिसाइडेड बाई लेंथ ऑफ व्हीकल्स, जो मिडल पोर्शन होता है वो कितना लेंथ का व्हीकल्स है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए ऐसे मोड़ रहे हैं तो ऐसा हम चौड़ा स्पेस लेंगे ताकि वहाँ पे जो व्हीकल्स है वो आसानी से पार करें। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सुपर इलिवेशन इन ग्रेजुअल मैनर विद इन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन अदर रेलवे ट्रैक, जो आपका सुपर इलिवेशन है उसको ग्रेजुअल बढ़ाना है, डायरेक्ट राइज नहीं करवा देना है। रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ कर्व फ्रॉम इन्फिनाइटी रेडियस टू सर्कुलर आर्क। कर्व के बारे में आगे आपको जब आपका सिलेबस आएगा तब डिटेल में पढ़ना होगा, यहाँ पे सिंपल सी बता देते हैं कि जो सर्कुलर कर्व होता है, जो इन्फाइनाइट कर्व से एक सर्कुलर कर्व की ओर लाता है,
जैसे मान लीजिए कि ये दो ये अलाइनमेंट था, ये दोनों को मिलाने के लिए हमको कर्व का जरूरत पड़ेगा, तो आर्क बनाना, एक कर्व क्या बना, आर्क बना, तो आर्क का कुछ तो रेडियस होगा, कुछ तो रेडियस होगा, वही रेडियस तो अभी निकाल रहे थे कि 1146 कब था, जब 20 मीटर चेन का था, ठीक है, 1146 बटा डी, जितना डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो यही वाला इसी को निकालने, कर्व शुड बी परफेक्टली टेंजेंशियल एट द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट, यहाँ पे परफेक्टली क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन। अब एक एक और चीज समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, कभी भी कर्व दिया जाता है, कभी भी कर्व दिया जाता, जैसे मान लीजिए कि ये वाला अलाइनमेंट था, ये वाला अलाइनमेंट था, तो डायरेक्ट कॉर्नर थोड़े निकाल दिया जाता है, डायरेक्ट कॉर्नर नहीं निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, पहले कुछ दूर पहले से ही उसको कर्व के रूप में बनाते आते हैं, इस तरह से देखिएगा, अगर हमको आगे बढ़ाना है तो धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली बढ़ाते हैं ना, डायरेक्ट कॉर्नर बन जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कुछ दूर से ही ऐसे करके बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले स्ट्रेट लाइन था, पहले स्ट्रेट लाइन था, और फिर यहाँ से कर्व हो गया, तो यही बीच वाला हो गया जो ट्रांजिशन कर्व हो गया, ठीक है, यही बीच वाला मतलब किसको किसको, सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट लाइन जोड़ने के लिए एक जो लाइन बनाए हैं, लाइन बनेगा, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए पहले मान लीजिए आपके तरह से बताते हैं, दो ए अलाइनमेंट था, ए अलाइनमेंट था, हम इस तरह से मिला दिए, इस तरह से मिला दिए, बताइए कौन सही रहेगा, कौन सही रहे, एक ऐसा है, एक पहले से रोड स्ट्रेट जा रहा है, फिर धीरे धीरे कर्व बनाए, धीरे धीरे कर्व स्टार्ट किए, धीरे फिर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन ले गए, ये फिर देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाए, धीरे धीरे बढ़ाए, अब फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन, बताइए कौन सही है, यहाँ पे कॉर्नर बन गया ना, रोड आएगा फिर रुकेगा, गाड़ी यहाँ पे आएगा रुकेगा, फिर चालू करेगा फिर जाएगा, फिर रुकेगा फिर, इस पे क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से आया, धीरे 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 ग्रेजुअली खुद बढ़ते चला गया, है ना, तो इसी की बात बोल रहे थे कि हॉरिजेंटल कर्व, हॉरिजेंटल लाइन जो स्ट्रेट लाइन था और यहाँ पे कर्व है, दोनों को मिलाने के लिए जो कर्व यूज होता है, यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट रहा होगा ना, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ तो, यहाँ मान लीजिए एक कर्व हो गया, इतना दूर कर्व हो गया, यहाँ से कर्व हो गया, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, यही जो बीच वाला पोर्शन है इसको ट्रांजिशन कर्व बोल रहे थे, ठीक है, और एक टेंजेंशियल होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ज्वाइंट है, चलिए, और इफ द एक सेकेंड, इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टू बी इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी वेरी विद द टाइम, तो जो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज होते जाता है, और कुछ रिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको इधर इधर से मुड़ाते हैं एक सेकेंड, जो आपको कर्व वहाँ पे प्रोवाइड किया रहता है इसी का पार्ट रहता है, ठीक है, इसी का पार्ट रहता है, स्पाइरल कर्व का पार्ट रहता है यहाँ पे, अगर स्पाइरल कर्व, एक सेकेंड देखिएगा, दिस इज द आइडियल कंडीशन इन ट्रांजिशन कर्व, जो ट्रांजिशन कर्व हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब स्टेट लाइन और कर्व के बीच में जो हम लोग ये लाइन मिलाते हैं जो स्मूथ बनाए, तो इसको ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं, ये किसका पार्ट होता है, तो इसी का पार्ट होता है, अगर स्पाइरल कर्व है, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल कर्व सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो यहाँ पे देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं, स्पाइरल कर्व का मतलब ये स्पाइरल है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, तो इसका कोई भी पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा का यूज कर सकते हैं हम ऐड करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व है, उसको जोड़ने के लिए हम स्पाइरल कर्व का यूज कर सकते हैं, उसका छोटा सा पार्ट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उसको ऐड करने के लिए, ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको रेल्स के बारे में, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रेल्स के बारे में, रेल जो आप अभी पढ़े हैं, तो कितने प्रकार के रेल होता है, कौन कौन रेल को रिजेक्ट किया गया था, कौन सा रेल को पास किया गया था, तो रेल्स जो है डबल हेडेड रेल आर रिजेक्टेड ड्यू टू अनइवननेस एट द बॉटम सरफेस, पहले डबल हेडेड रेल चलता था, डबल हेडेड का मतलब रेल देखे होंगे तो कुछ इस टाइप से रेल रहता है, इस टाइप से रेल था, तो पहले दोनों टाइप सेम ही तरह के था, ऊपर भी इसी तरह से था, एक सेकेंड बढ़िया से नहीं बना, फिर से बनाते इसको, पहले ऐसे था,
तो ऊपर नीचे सेम ही तरह के था, मतलब डबल हेडेड, ठीक है, दोनों तरफ हेड था, इसको हेड बोल रहे हैं और इसको भी हेड बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ हेड था, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका बॉटम में अनइवननेस रह जाता था, मतलब अनइवननेस का मतलब उडा खावर रह जाता था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बुल हेडेड रेल्स आया, जिसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिश प्लेट आर प्रोवाइडेड कनेक्टेड टू बुल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल को कनेक्ट करने के लिए फिश प्लेट की जरूरत होता था, तो लास्ट में किसको पास किया गया, फ्लैट फुटेड रेल को। फ्लैट फुटेड रेल का मतलब ऊपर तो जैसा रेल देखते हैं ना, रेल का मतलब पटरी, पटरी पे ऐसे इस तरह से बना रहता है ना पटरी, और नीचे फ्लैट रहेगा, नीचे क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। तो देखते हैं आज का रेल कैसा रहता है, नीचे फ्लैट रहता है, ऊपर इस तरह से बना रहता है जिसपे गाड़ी जाता है, ठीक है, तो ये आपका सही है, इसको यूज किया गया। फ्लैट फुटेड रेल आर अगेंस्ट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फोर्सेस, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये डबल हेडेड रेल है, डबल हेडेड का मतलब देखिए दोनों तरफ हेड बना हुआ है, दोनों तरफ हेड बना हुआ है, जिसका 70 mm लेंथ रहता है, ठीक है, 19 mm थिकनेस रहता है। ये डबल हेडेड का जो आपका डायमेंशन है 44.5 mm होता है, बीच का जो आपका बेब होता है वो 63.5 mm का होता है, और नीचे वाला भी 44.5 का होता है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब अब यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्लैट फुटेड रेल के बारे में। ये फ्लैट फुटेड रेल है, इसी तरह से अब यूज होता है, यहाँ पे क्या रहता है, फ्लैट रहता है, तो स्लीपर पे आसानी से रखा हुआ रहता है, ठीक है। इसका डायमेंशन है 142.9 mm का टोटल होता है, इसमें ये 66.7 mm का है, ए 43.7 mm का है, बीच का बेब 78.6 mm का है, ए मात्र यहाँ से यहाँ 20.6 mm का है, ठीक है, और इसका जो बीर्थ होता है नीचे का 136.5 mm होता है। तो यही है फ्लैट फुटेड रेल है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि रेल्स क्या है, ठीक है, और पीछे तो रेल्स के बारे में बताया भी गया था, यहाँ पे खाली फिगर दिखा दे रहे हैं। कि अब आते हैं स्लीपर्स के बारे में, तो स्लीपर बता दिया गया था, स्लीपर क्या होता है, पीछे देखे थे जो पॉइंट लोड को ग्रेजुअली किसमें एग्रीगेट में, यानी वहाँ पे जो ब्लास्ट था उसमें लोड को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, ठीक है, और दूसरा काम क्या था कि रेल को पोजीशन में रखना है, ठीक है, रेल को पोजीशन में रखना है, डिफरेंशियल सेटलमेंट को बचाने के लिए यूज करते हैं स्लीपर को, ठीक है। तो ये सब पीछे हम लोग पढ़े थे, अब देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो पहले वुडन स्लीपर, पहले के ज़माने में लकड़ी का स्लीपर यूज किया जाता था, फिर लोहे का स्लीपर यूज किया जाने लगा, अब आजकल हम लोग देखते हैं कंक्रीट का स्लीपर यूज होता है। देखते हैं कंक्रीट ही तो रहता है, दो रेल के बीच में जो इस तरह से दिया रहता है, कंक्रीट का ही तो दिया रहता है आजकल। तो कंपोजिट स्लीपर्स इंडेक्स इज एन इंडेक्स टू मेजर सुटेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर टिम्बर टू बी यूज एन स्लीपर। एज क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर है, और एज क्या है, हार्डनेस ऑफ ए टिम्बर है। तो टिम्बर आपको WMP में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, जब WMP पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे टिम्बर के बारे में पढ़ाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका मतलब फार्मूला लगाते हैं, एस प्लस एच 10H/20, जहाँ एस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, उस टिम्बर का कितना स्ट्रेंथ है, और एच का मतलब क्या है, वो उसका हार्डनेस कितना है, ठीक है। डॉग स्पाइक्स आर वेयर यूज टू मेक कनेक्शन बिटवीन रेल्स एंड स्लीपर। ये देखिए रेल है, ये आपका क्या है, रेल है जिसपे गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, और नीचे ये जो आपका फ्लैट फुटेड रेल है वो किस पे लगा रहता है, स्लीपर पे लगा रहता है जो कंक्रीट का बना रहता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए स्पाइक, डॉग स्पाइक का यूज करते हैं। यहाँ पे जो जलेबी आप बोलते होंगे, तो उसको फिश प्लेट, तो वो सब तो रिजेक्ट कर दिया गया, आजकल क्या उसका नाम बोलते हैं जो यूज करते हैं, डॉग स्पाइक्स, ठीक है, तो डॉग स्पाइक्स का यूज करते हैं यहाँ पे। कोई सोचते होंगे सर यहाँ पे उसको फिक्स क्यों नहीं कर देते, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं स्लीपर और अथी को मिला के ज्वाइंट कर देते, तो ऐसा करने से वहाँ पे जब आपका ट्रेन मूव करेगा तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से वो टूट जाएगा, तो इसलिए ज्वाइंट नहीं करते हैं, सिंपली ऐसी कनेक्ट हिंज पॉइंट करके छोड़ देते हैं। कास्ट आयरन स्लीपर, कास्ट आयरन का जो स्लीपर होता है, शेप ऑफ स्टील स्लीपर इज इन्वर्टेड चैनल सेक्शन डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टील ट्रॉफ शेप। स्टील स्लीपर इजेक्टेड ड्यू टू हाई रिजिडिटी बिटवीन रेल्स एंड स्लीपर सेक्शन।
स्टील स्लीपर को, मतलब यानी लोहे वाले स्लीपर को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जो हायर रिजिडिटी हो जाता था रेल्स और स्लीपर सेक्शन के बीच में, ठीक है। यानी सीधा सीधी बोले तो हम लोग को क्या यूज होता है, सीधे कंक्रीट स्लीपर सबसे बेस्ट है, ठीक है। और फिर फर्दर अगर कहीं कोई नया इन्वेंशन हुआ, नया खोज होगा, तो कुछ और चीज़ का स्लीपर यूज होने लगेगा। तो CSI-9 इज प्रोवाइडेड कोटल अरेंजमेंट, यहाँ पे CSI-9 जो है मतलब कोड चलता है जो बताता है कि किस चीज़ का होना चाहिए, कितना उसका मॉडुलस होना चाहिए, कितना रिजिडिटी होना चाहिए, कितना थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, तो ये सब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। शॉर्ट वेल्डेड रेल रेल विथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंस थ्रू आउट इट्स इंटायर लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, उसको हम लोग शॉर्ट वेल्डेड रेल के नाम से जानते हैं। जब रेल क्या करते हैं, टेम्परेचर के वजह से क्या हो, एक्सपेंड करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वेल्डेड रेल के नाम से जानते हैं। लॉन्ग वेल्डेड रेल का मतलब रेल इन विच सेंट्रल पोजिशन डज नॉट अंडरगो एनी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ओनली इंड पोर्सन आर अफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेचर, बीच वाला जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ क्या इंड वाला को अफेक्ट हुआ है टेम्परेचर के वजह से, तो उसको लॉन्ग वेल्डेड रेल बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेथिंग लेंथ क्या है, इंड पोर्शन ऑफ रेल विच इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, अगर इंड पोर्शन रेल का इंड पोर्शन अफेक्टेड है तो उसको ब्रीथिंग लेंथ बोलते हैं। मॉडुलस क्या है, रेजिस्ट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, मटेरियल जो डिफॉर्मेशन है वो किस किस की वजह से आ सकता है, तो टाइप ऑफ रेल्स कैसा रेल है, स्लीपर डेंसिटी कैसा है, आगे हम लोग निकालना सीखेंगे स्लीपर डेंसिटी, टाइप्स ऑफ स्लीपर क्या है उसका, ब्लास्ट कैसा है, गेज डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, मॉडुलस से। अब आते हैं डेप्थ ऑफ ब्लास्ट जो होगा, कितना हम लोग को ब्लास्ट डालना होता है, तो 22 से 25 सेंटीमीटर डालना होता है, मतलब ये जो पत्थर इस तरह से डाल रहे थे तो कितना डेप्थ तो तक डालना है, तो 22 से 25 सेंटीमीटर तक डालना है। स्लीपर डेंसिटी के बारे में देखते हैं, स्लीपर डेंसिटी के मतलब कि एक रेल में मान लीजिए कि एक 13 मीटर का ले 13 मीटर का एक रेल होता है, ऐसे तो देखिए 13 मीटर का रेल होता है, फिर 13 मीटर का रेल ऐसे ज्वाइंट करके बनाया जाता है, ठीक है। जो आप लंबा चौड़ा रेल देखते होंगे पटना से लेके जहाँ तक है रेलवे रेलवे लाइन बिछा हुआ जो पटरी है, तो वो एक 13 साढ़े ऐसे 12.8 मीटर का आता है, जिसको हम लोग 13 मीटर मान लेते हैं, तो एक जो रेल होता है मतलब टुकड़ा होता है वो 13 मीटर का बनाया जाता है, कितना मीटर का बनाया जाता है, 13 मीटर का बनाया जाता है। तो 13 मीटर के बीच में कितना स्लीपर आ सकता है, कितना स्लीपर आ सकता है, उसी को हम लोग स्लीपर डेंसिटी के नाम से जानते हैं, कि 13 मीटर रेल के बीच में कितना स्लीपर लगा सकते हैं, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, स्लीपर डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नंबर ऑफ स्लीपर, यानी नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल, वन रेल कहने का मतलब एक 13 मीटर का लेंथ के बीच में, ठीक है, आर डिनोटेड बाई M+X, वेयर M लेंथ ऑफ वन रेल, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, M+X फार्मूला लगा के निकालते हैं, जहां एम क्या है रेल का लेंथ, तो रेल का लेंथ ब्रॉड गेज के लिए कितना 12.8 मीटर, यानी उसको 13 मीटर बोलते हैं, और यहाँ पे स्लीपर डेंसिटी फॉर जो बीजी ब्रॉड गेज है शुड बी लाइज बिटवीन M+4 to M+7, M+4 to M+7, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करना सिखाते हैं उसको, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 780 मीटर लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक स्लीपर डेंसिटी M+6, तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर कितना होगा, तो 780 में देखिए 780 मीटर का लेंथ है, जिसमें एक रेल का लेंथ कितना होता है 13 मीटर, और कितना टोटल इसका कितना डेंसिटी बता रहा है M+6 है, मतलब डिनोट करने का तरीका है, तो एम एम क्या है यहाँ पे, तो एम यहाँ है आपका जो आपका लेंथ है, तो कितना का लेंथ है 13 है, 13+6 तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए जो भी वैल्यू आएगा, तो इतना 780 मीटर में कितना स्लीपर डालेंगे, 1140 स्लीपर डालेंगे, मीटर नहीं होगा यहाँ पे, 1140 स्लीपर डालेंगे, 780 मीटर था ना, 780 मीटर के लेंथ में, 780 मीटर के लेंथ में कितना स्लीपर डालेंगे 1140, कैसे निकाले एक बार और बता देते हैं, क्योंकि अब लास्ट हो रहा है, कल से हम लोग एयरपोर्ट और हार्बर के बारे में चलेंगे, ठीक है, बंदरगाह और एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कल से हम लोग। तो देखिए कैसे निकालते, सिंपल सा दिया रहेगा कि उसका स्लीपर डेंसिटी कितना है, तो M+6 का है, ठीक है, M+6 का डेंसिटी है। देखिए अच्छा ये सोच रहे होंगे सर M+6 मतलब क्या, नहीं समझ रहा है,
तो यहाँ पे ये दिया बताया गया है कि स्लीपर डेंसिटी जो होता है हम इस रूप में लिखते हैं, एम प्लस फोर टू एम प्लस सेवन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, मतलब इसी के बीच का कोई डेंसिटी लेना है तो दे दिया। देखिए तो एम प्लस सिक्स तो इसी के बीच का है, इसका कितना लेंथ में, 780 लेंथ में। एम क्या है तो एक रेल का लंबाई, तो एक रेल का लंबाई कितना होता है 13 मीटर, यानी 12.8 होता है उसको, लगभग 13 मीटर ले लिए। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, तो 780 मीटर का लेंथ है जिसमें 1 मीटर का लेंथ, एक रेल का लेंथ कितना होता है 13 मीटर, 13 मीटर, तो इसमें कितना रेल होगा, तो 780 बटा 13 कर देंगे तो वो नंबर ऑफ रेल बता देगा, तो नंबर ऑफ रेल इंटू उसका डेंसिटी गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ स्लीपर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना था, एम प्लस सिक्स था ना, एम का मान 13, 13 मीटर मतलब एक रेल का लंबाई प्लस सिक्स, तो 780 बटा 13 गुने 19 यानी 1140 स्लीपर, ठीक है, इतना स्लीपर लगेगा 780 मीटर में, ठीक है। तो ये ऑल अवार्ड्स रेलवे के बारे में हो गया। तो एक बार ओवरव्यू कर देते क्या क्या पढ़े हम लोग, रेलवे पढ़े, ठीक है, क्रॉस सेक्शन उसका देखिए कि क्या क्रॉस सेक्शन है, जिसमें स्लीपर ब्लास्ट सब ग्रेड सॉयल ये सब के बारे में देखिए। स्लीपर क्या है देख लिए, जो कंक्रीट का बना रहता है। गेज डिस्टेंस क्या है, दो पटरी के बीच का जो अंदर से अंदर डिस्टेंस होता है उसे गेज डिस्टेंस कहते हैं। ब्रॉड, अभी का जमाने में ब्रॉड गेज यूज किया जा रहा है जिसका डिस्टेंस कितना है 1.676 है। दो पटरी के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 1.676 होता है। रेल्स क्या है, यानी पटरी जो लोहा वाला पटरी रहता है उसी को रेल्स बोलते हैं, ठीक है, रेल्स। बकलिंग ऑफ रेल्स क्या है, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर की वजह से अगर रेल का जो बढ़ जाता है, मतलब जैसे ट्रेन उस पर चला तो गर्मी की वजह से फैल जाता है, तो अगर देखते होंगे दो रेलवे के बीच में खाली जगह दिया रहता है, अगर वो नहीं रहता तो क्या हो जाता, बल्क कर जाता, ठीक है, जिसके वजह से पटरी से पटरी पर से गाड़ी उतर जाता है, ट्रेन उतर जाता है, ठीक है। तो यही सब स्लीपर क्या है, तो स्लीपर तो देख ही ली कि स्लीपर क्या है। ब्लास्ट क्या है, जो पत्थर होता है वहाँ पे वो किसके किस लिए दिया रहता है, ताकि वाइब्रेशन को सॉक करे और जब ड्रेनेज हो, वर्षा पड़े, रेनफॉल हो तो ड्रेनेज आसानी से हो जाए, ठीक है। सेफ स्पीड क्या है, तो किसी भी चीज़ पे चलने के लिए कुछ स्पीड दिया रहता है, स्पीड पता होना चाहिए, तो ही स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि कैसे हम लोग स्पीड निकालते हैं। तो अगर ट्रांजिशन कर्व है तो 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, जहाँ पे आर खाली अननोन है, आर का मतलब रेडियस, रेडियस पुट करेंगे तो ट्रांजिशन कर्व का वेलोसिटी आ जाएगा। नन ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन का 80% होता है, और हाई स्पीड ट्रैक मतलब बहुत ज़्यादा अगर स्पीड करना है तो कितना तक कर सकते हैं, 4.58 अंडर रूट आर, ठीक है, इसको निकालेंगे, इतना आपका हाई स्पीड रहेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्व निकाले थे तो खाली इतना ही याद रखना है, 20 मीटर चेन हो तो 1146 बटा डी, डी डी वहाँ पे क्या है डिग्री, तो रेडियस निकल जाएगा। 1146 में 58 डिग्री से भागा दीजिए तो उतना रेडियस होना चाहिए, 58 डिग्री रेडियस के लिए, डिग्री के लिए उतना रेडियस होना चाहिए, 58 डिग्री कर्व के लिए कितना रेडियस रेडियस होना चाहिए, तो 1146 बटा डी, 20 मीटर का चेन होता है, 30 मीटर चेन के लिए 1720 बटा डी, 30.5 मीटर चेन के लिए 1750 बटा डी, ठीक है। तो यही सुपर इलिवेशन क्या है, इनर फेस के रिस्पेक्ट में आउटर फेस को राइज करवा दिया जाए, ठीक है। और कर्व क्या है, तो दो एलिमेंट को अगर जोड़ता है तो हॉरिजेंटल कर्व, और दो ग्रेडियंट को जोड़ता है तो वर्टिकल कर्व, ठीक है, और मिडल पोर्शन होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो यही सब के बारे में देख रहे थे, तो आई होप, और यहाँ पे रेल्स के बारे में पढ़े, तो डबल हेडेड रेल पहले के ज़माने में दोनों तरफ सेम चीज़ बनाया जाता था, तो उससे मटेरियल भी ज़्यादा लग जाता था और काम का भी नहीं, वो फ्लैट कर दिए तो देखिए इतना काट दिए तो इतना रेल बचेगा ना, इतना मटेरियल पूरा में बचा तो समझिए कितना बच गया, ठीक है। तो फ्लैट करने से मटेरियल भी बचा और काम का भी चीज़ हो गया, ठीक है। तो यही था, रेल के सेक्शन के बना दिए उसको बना लीजिएगा, ठीक है। और स्लीपर हो गया, स्लीपर में हम लोग कैसे कौन किस किस चीज़ का बना हो सकता है, तो वुडेन का होता है, कास्ट आयरन का होता है मतलब लोहे का होता है, उसके बाद किसका होता है, लकड़ी का भी होता है, कंक्रीट का भी होता है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट बेल्डेड रोल कब बोलते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करे, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। अगर वो लॉन्ग बेल्डेड कब बोलते हैं, जब उसका टेम्परेचर की वजह से लॉन्गिट्यूडनल ओनली इंड पोर्शन उसका अफेक्ट करे, तो लॉन्ग वेल्डेड बोलते हैं, ठीक है।
ब्रीदिंग लेंथ क्या बोलते हैं, जब एंड पोर्शन ऑफ रेल अफेक्टेड हो टेम्परेचर की वजह से। मॉडुलस किसको बोलते हैं, रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल को कितना रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ऑफ रेलवे ट्रैक, उसको अब किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है, तो रेल्स पे, स्लीपर डेंसिटी पे, टाइप्स ऑफ स्लीपर पे, ब्लास्ट पे, गेज डिस्टेंस पे, ईटीसी पे, ठीक है। चलिए, स्लीपर डेंसिटी क्या था, तो एक रेल के बीच में, एक रेल का मतलब उतना जो लंबा चौड़ा पटरी रहता है वो 13 मीटर का बन के आता है, ठीक है, 13 मीटर मीटर का होता है, तो 1 मीटर में कितना, 13 मीटर का जो लेंथ है, यानी एक रेल में कितना डेंस, कितना स्लीपर है, उसको हम लोग स्लीपर डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। और वो डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं, M+4, M+5, M+6, M+7 के रिस्पेक्ट में। तो ही यहाँ पे M+6 दिया हुआ है, 780 मीटर है, तो 780 मीटर है, एक रेल का कितना मीटर होता है, 13 मीटर, तो कितना रेल इसमें हुआ होगा, तो भागा दीजिएगा, और एक रेल में, एक रेल इंटू उसका डेंसिटी से गुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ रेल आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ रेल आ जाएगा। तो यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आज रेलवे इंजीनियरिंग खत्म।